पहलवानों के समर्थन में पंजाब से बड़ी संख्या में किसान जो है वो जंतर मंतर पहुंचे। आपको तस्वीरें में दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जो जत्थे हैं वो इस वक्त जंतर मंतर पर पहलवानों के समर्थन के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक बार आप तस्वीरें आप देख सकेंगे कि काफी बड़ी संख्या में जो किसान है वो पंजाब से यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि जैसे यहाँ पर पहुंचे उसके बाद जमकर हंगामा जो है वो देखने को मिला है। बैरिगेटिंग जो यहाँ पर पुलिस की तरफ से की गई थी उसको अचानक से यहाँ पर जितने भी किसान यहाँ पहुंचे उन्होंने तोड़ दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे बैरिगेट्स को एक बार फिर से जो है वो खड़ा कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर देखा जाए कि कल भी किस तरीके से किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, अब एक बार फिर से किसानों का जो जत्था है वो यहाँ पर पहलवानों के समर्थन के लिए जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर जंतर मंतर जो है वो पहुंच रहे हैं। हंगामे की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर देखने को मिली। किस तरीके से बैरिगेटिंग जो पुलिस की तरफ से की गई थी उसको यहाँ पर किसानों की तरफ से तोड़ा गया है। फिलहाल अब पूरी बैरिगेटिंग को एक बार फिर से यहाँ पर जो है लगाया गया है ताकि सिचुएशन को पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो किया जाए। पुलिस ने यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहलवानों जितने भी जो किसान है उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की थी, लेकिन अचानक से जब किसान यहाँ पहुंचे तो हंगामा जो है वो देखने को मिला है। फिलहाल ये तस्वीरें जो है जंतर मंतर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हंगामे की तस्वीरें पहलवानों के इस पूरे प्रदर्शन में जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। पहलवानों के समर्थन में पंजाब से बड़ी संख्या में किसान जो है वो इस वक्त जंतर मंतर पहुंचे हैं। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि जंतर मंतर पर अचानक से ही तमाम जो पंजाब के किसान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं पहलवानों का समर्थन करने के लिए। जिस तरीके से आप संख्या बल देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जो है वो पहुंचे। अलग अलग जिलों से पंजाब के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ से आप आए हैं। ये बताइए सर, कहाँ से आप आए हैं सर? पंजाब से। किस लिए? ए अपना धरने थे पहलवाना की खतरा। अच्छा, पहलवानों की मांग कितनी आपको जायज लगती है जो मांग कर रहे हैं? जायज है, जायज ही मांगते हैं। हो नजायज कथों मांगते हैं। जो उन्होंने किसी मंत्री ने छेड़ता लड़की ने किसी ने कुछ कहता वो आपकी जायज मांग मांगते हैं कि उन्हें सजा होनी चाहिए। हाँ। आप कहाँ से हैं सर? पंजाब से ही सारे। पंजाब से? हाँ। जो पहलवान मांग कर रहे हैं क्या लगता है कि जायज है, कितना है? क्योंकि वो पिछले कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गिरफ्तार जो है वो किया जाए। हाँ, किया करना चाहिए। गिरफ्तार जिन्होंने गलत काम किया वही न्याय मिलना चाहिए पहलवान को। हाँ। पंजाब से कहाँ से आए? ट्रेन से। उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि कहाँ कहाँ से आए हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? असि पंजाब से आए, फरीदकोट जिला, फरीदकोट। अच्छा, इसलिए आए हैं? ये खिलाड़ियों के समर्थन के लिए आए हैं। इनको इंसाफ मिलना चाहिए खिलाड़ियों को। लग रहा है कि इंसाफ मिलने में इनको देरी हो गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है इस पूरे मामले के अंदर। जो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं वो जायज है? जायज है जी। जो गलत किया उसने मंत्री ने उसको जेल होनी चाहिए, फिर धरना चक्या जाएगा उसको जेल के अंदर करके। कि यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर पे कह रहा है किसानों की तरफ से कि यहाँ पर जो मांग है पहलवानों की वो मांग पूरी तरीके से जायज है पहलवानों की, और जो ब्रिजभूषण शरण है उनको गिरफ्तार जो है वो किया जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर के आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से पंजाब के जो किसान है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कल उत्तर प्रदेश से भी कई किसान यूनियन जो है वो पहुंची थी और उनकी तरफ से आह्वान किया गया है कि रोजाना इस तरीके से किसान जो है वो जंतर मंतर पहुंचे। अब देखना ये होगा कि ये किसान क्या वाकई ही अगले जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक यहाँ पर इसी तरीके से टिके रहते हैं और किस तरीके से आंदोलन को आगे लेकर के जाया जाता है। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।